इस बार तय होगा जनता द्वारा अमित स्याही से अटूट लोकतंत्र का निर्माण। वोटों की जुगलबंदी और जातिगत गठजोड़ से तय होंगे चुनावी परिणाम। दतिया भिंड लोकसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस की टीमों पर आज होगा जातिगत विश्लेषण। इस सीट पर ज्यादातर विधानसभा पिछड़े में आती हैं, जो SC ST बहुल हैं या यू कहें यहाँ पिछड़ा वर्ग SC ST है, तो वहीं सामान्य वर्ग भी अपनी अहम भूमिका में है। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो अगर भाजपा को हराया है तो वह नोटा था और नोटा सामान्य वर्ग ने चुना था। अब यह है तो निश्चित हो गया है कि इस सीट पर सामान्य वर्ग भाजपा के साथ नहीं था, लेकिन क्या अब है? अगर सामान्य वर्ग भाजपा के साथ आता है तो इस बार भाजपा को लाभ मिल सकता है। इसी मुद्दे को लेकर भाजपा द्वारा दतिया भिंड लोकसभा सीट में RSS और हिंदूवादी संगठन सभी वर्गों को ये करने में लगे हैं। और बात सामान्य वर्ग की करें तो RSS इस सीट पर काफी सक्रिय भूमिका में कार्य कर रही है। अब बात वर्तमान जिलाध्यक्ष की बात करें तो सुरेंद्र भदौरिया आते हैं, जो 2011 से पहले बजरंग दल और RSS में सक्रिय भूमिका में थे और अब दतिया जिले की 3 विधानसभाओं में सक्रिय भूमिका में हैं और उनकी अच्छी पकड़ है। तो वहीं कांग्रेस की यहाँ से जातिगत समीकरण साधने में लगी है, लेकिन सूत्रों की माने तो कांग्रेस में 2 गुट बन चुके हैं, जिसका परिणाम कांग्रेस को नुकसान दे सकता है, तो वहीं भाजपा के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। अब बात क्षेत्र के किसानों की करें तो यहाँ का किसान सत्ता पक्ष से नाराज दिखाई दे रहा है। कारण है किसान ऋण माफी, बिजली, बारिश से नुकसान, सड़क व्यवस्था, अपराध, जिसमें दतिया आगे निकल चुका है। दतिया भिंड लोकसभा की स्थिति आज जनता के सामने है। कांग्रेस के राज में जहां अपराध बढ़ा है, वहां पुलिस प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे हैं। लेकिन आज की स्थिति में देखने वाली बात यह है कि आचार संहिता लगते ही क्राइम और संदिग्ध मामलों पर प्रशासन का सघन कसता चला जा रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या प्रशासन पर शासन भारी है या शासन पर प्रशासन का दबाव है। जहां तक सुरक्षा का सवाल है तो क्षेत्र में पुलिस और सेना के हाथ खोल देने चाहिए, जिसका नतीजा जनता के पक्ष और अपराधियों के विपक्ष में जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ समय पहले दतिया प्रशासन द्वारा एक विशेष रंग पर कार्रवाई करते हुए उसे सभी मतदान केंद्रों से हटाने के निर्देश दिए थे। SRB उस आदेश की अवहेलना नहीं करता, परंतु यह फैसला सुरक्षा और शांति को देखते हुए प्रशासन द्वारा लिया गया था। लेकिन एक बात और आती है कि कोई ना कोई रंग किसी ना किसी पार्टी या संगठन के प्रतीक में शामिल है, जिस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसका दुरुपयोग करने पर पार्टियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिले में कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, लेकिन आचार संहिता लगने पर प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिससे जनता में भय का माहौल समाप्त हो चुका है। अब बारी है नेताओं की वो क्या इस बार नया करते हैं, क्योंकि आरोप लगाना प्रत्यारोप लगाना आसान है, लेकिन यह भी देखना होगा कि भाई खुद कहाँ खड़े हैं। और इस बार मुद्दों की अनदेखी कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकती है, क्योंकि विधानसभा की सत्ता में कांग्रेस है और अभी भाजपा विपक्ष की भूमिका में है। और हर बार कांग्रेस के CM से लेकर मंत्रियों तक के बयान आ रहे हैं कि हमारा नेता कोई भाजपा ही नहीं खरीद सकता। अगर लोकसभा में भाजपा आई तो हमारी सरकार गिराना लगभग संभव नहीं है, ऐसे बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ रहे हैं। तो वहीं भाजपा लोकसभा चुनाव में जीत के बाद सत्ता पलट सकती है, जिसका अनुमान सभी पार्टियां लगा रही हैं, और इसका असर कांग्रेस में साफ देखने को मिल सकता है। हाल ही में हुई निमाड़ जिले में कांग्रेस की बैठक में वाणिज्य कर मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर का बयान सामने आया, जो काफी सुर्खियों में रहा, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था, हमारा कोई विधायक बिकाऊ नहीं है, ना ही उसे कोई खरीद सकता है। अब बात उस विधानसभा की करेंगे जहां कांग्रेस को सबसे ज्यादा मत मिला है और जनता का सहयोग मिला। बात भांडर विधानसभा की करते हैं। यहां से कांग्रेस के विधायक रक्षा संतराम सरोनीय विधायक हैं, जो लोकसभा चुनाव में व्यस्त हैं और अपने ही कार्यकाल में पदस्थ जिला अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर चर्चा में हैं। विधायक ने दतिया कलेक्टर और जिला अधिकारी सहित कुछ लोगों की शिकायत की थी। भांडर विधायक द्वारा जिला अधिकारियों पर आरोप लगाया गया कि वह किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। तो वहीं इस सीट पर मुद्दों का अभाव है, लेकिन भाजपा के पास मुद्दों के साथ पार्टी में एकजुटता है। इस बार भाजपा सहित कांग्रेस दोनों के प्रत्याशी जनता के बीच नए हैं, जिन्हें अब जनता को समझना होगा। क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है पानी, यातायात, रोजगार, सरकारी योजनाएं एवं शिक्षा। अगर जातीय समीकरण की बात करें तो दोनों पार्टियां जातिगत
समीकरण साधने में लगी हैं। क्षेत्र में ओबीसी एससी एसटी वोटरों की संख्या काफी है और भाजपा हर वर्ग में अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर चुकी है। दतिया भिंड में पानी की समस्या गर्मी के आते ही साथ आ जाती है। क्षेत्र में कोई भी रोजगार के अवसर ना होने से भी बड़ा असर पड़ता है। क्षेत्र में यादव कुशवाहा सहित सभी वर्ग हैं, परंतु एससी एसटी का कहना है कि हमें जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सही से नहीं मिल पाता। इस सीट पर शिक्षा में सुधार हुआ है, पर आज भी सरकारी स्कूलों की हालत खराब है क्योंकि नेता इस ओर ध्यान नहीं देते।